हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकड़ा एजुकेशन। आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 में टर्म वन का 10th क्लास इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये एकदम लेटेस्ट पेपर है जो कल ही एक पब्लिक स्कूल में हुआ है, सीबीएसई एफिलेटेड। इसमें देखिए टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 40। देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें 18 क्वेश्चन है और आपको 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है और ग्रामर का, जिसमें आपके पास 12 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे लेकिन आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी लिटरेचर है, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं लेकिन आपको 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए सेक्शन ए रीडिंग, इस पूरे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें पैसेज जो है वो काफी लेंदी हैं, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो एक तरीका तो क्या है कि आप अपनी स्पीड को काफी इंक्रीज कर लीजिए, जिससे कि इसमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है आपका वो कम हो। देखिए इसके बाद फिर जो दूसरा है वो भी पैसेज है। दूसरा मेथड क्या है कि आप इस पैसेज के पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पैसेज को रीड करने से पहले। क्वेश्चन पहले रीड करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं। आप आंसर काफी जल्दी ही उसका पता लगा सकते हैं किस क्वेश्चन के लिए क्या होगा। हम इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन जो है हमारे पास, पहले ग्रामर की बात करते हैं। अटेम्प्ट आंसर एनी 5 out of 6 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन फॉर ईच। 6 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद राइटिंग सेक्शन है, इसमें भी आपको आंसर एनी 5 out of 6 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी पैटर्न के जो क्वेश्चंस होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको फाइनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब ये देखिए लिटरेचर सेक्शन है, इस सेक्शन के सब पार्ट्स डिवाइडेड हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में, आपको 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन सभी पार्ट्स में से मिला के। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट गिवन है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये भी एक्सट्रैक्ट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए एक्सट्रैक्ट गिवन है और आपके पास क्वेश्चंस हैं। आपको प्री बोर्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर, इन सभी का मीनिंग ही यही होता है कि आपको एग्जाम से पहले किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स में से, उसका एक रफली आइडिया मिल सके, जिससे आप एग्जाम में उसी टाइप की प्रैक्टिस कर सकें, उसी पे ज्यादा फोकस कर सकें। देखिए ये आपका था इंग्लिश का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर, होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। इसका पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।